मोबाइल को बॉक्स में बंद किया हाँ। और एक महीने के लिए बंद ही रख, अलग ही लेवल की पढ़ाई होने लगी उससे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ हैं विशाल, जिन्होंने रैंक 33 है, जिनकी डीट प्लस भी टीजीटी मैथ्स के एग्जाम में, और अभी टीचर बन जाएंगे, बिल्कुल गणित के मास्टर जी बनेंगे 6 से 10 के लिए दिल्ली में। और कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या पूरी जर्नी रही, 26 साल के विशाल हैं, और इसके अलावा इनकी जो बीएड है वो भी अभी लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुई है, 2020 में कंप्लीट हुई है। तो कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या जर्नी रही और कैसे इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए, उस पर चर्चा करेंगे। तो विशाल, स्वागत है आपका, पहले तो कांग्रेचुलेशंस। और कैसे आपकी जर्नी रही, अभी कैसा लग रहा है फाइनल, जब आप सारी मेरिट हो गई है, और अच्छा आपकी जो, आप ये बताइए एक बार कि कितना मेरिट गई है और अभी क्या आपके कितना स्कोर है इसमें? जो मेरिट गई है वो 93.95 गई है। अच्छा, 200 में से ठीक, और जो मेरे मार्क्स है वो 121 है। अच्छा, और इसमें जो मतलब टोटल कट ऑफ है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पहला पार्ट होता है वो भी 100 नंबर का, दूसरा भी 100 नंबर का, इसमें 40-40 मिनिमम लाने होते हैं दोनों पार्ट्स में। ठीक बात है। तो जिसमें वैकेंसी थी वो थी लगभग 988, जिसमें से अभी जो फाइनल रिजल्ट हुआ है इसमें 588 टोटल शॉर्टलिस्ट हुए, सेलेक्टेड हुए। हम ये कह सकते हैं कि 400 बच्चों का तो हो ही नहीं पाया, 400 बच्चे तो इसमें वैकेंसी भी खाली रह गई है उसमें। तो 400 एस्पिरेंट्स मतलब खाली चली गई सीट, खाली सीट, हम कह रहे हैं नौकरी नहीं है यहां, सीट खाली जा रही है, वेटिंग लिस्ट में हो सकते हैं, लेकिन अभी खाली चली गई है, खाली चली गई। तो वो हो सकता है कि वो क्राइटेरिया ना फुलफिल हो पाया हो, कि फर्स्ट पार्ट में 40 और सेकंड पार्ट में 40, दोनों में 40-40 ना पाए। राइट। तो आपका क्या मतलब, आपने बीएससी किया पहले बताइए एक बार। सबसे पहले मैंने 8th तक पढ़ाई की होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल बनत से। अच्छा। उसके बाद मैं 9th टू 12th मदरलैंड शामली, उसके बाद मैंने बीएससी की डीएवी मुजफ्फरनगर, डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर, उसके बाद बीएड की इससे सेंट आरसी शामली से। ठीक है। फिर मैंने मतलब शुरू से मतलब टीचर बनने का प्लान था, तो उसके बाद मैंने सीटेट का एग्जाम दिया 2021 वाला, इसमें फर्स्ट पार्ट में 96 है, सेकंड में 115। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद ऐसे ही मतलब बहुत सीरियस होके नहीं दिया था उसका, मुझे सिलेबस भी नहीं पता था, वो तो बस मैं ऐसे ही देने चला गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो फॉर्म आए थे यूपी टीजीटी का, मैंने वो फिल किया। यूपी टीजीटी में जो कट ऑफ गई थी वो 80 क्वेश्चन गई थी 125 में से, मेरे उसमें 78 सही थे। इसकी जो आंसर की आई थी वो आई थी 11 अगस्त को। अच्छा। यूपी टीजीटी की, तो मैंने मतलब उसमें देखा कि भाई मेरे तो 125 में से 78 सही, मेरा अंदाजा था कि भाई 85-90 पे कट ऑफ जाएगी। ठीक है। तो फिर इसका जो पेपर था डीएसएसबी टीजीटी का, वो था हमारा 4 सितंबर को। ठीक है। इससे पहले शिफ्ट थी 2 सितंबर को। ठीक है। तो लगभग 15-20 दिन का टाइम था। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक दिन रेस्ट किया, अगले दिन मैंने क्या किया, जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, अच्छा बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे कोई हमें तैयारी करनी है तो हम मॉक क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर करने के बाद मतलब सिलेबस आधा कवर करने के बाद तब शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मॉक करना चाहिए, उससे क्या प्रीवियस ईयर पेपर एक बार, प्रीवियस ईयर पेपर आपको पहले करने चाहिए, क्योंकि उससे क्या पता चलेगा आपको करंट में आप कहाँ हो, अभी का जो लेवल है वो पता चलेगा कहाँ पे हो। ठीक बात है। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर दिया, मुझे पता चले कि भाई इस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं, तो उनकी वेटेज के हिसाब से मैंने नोट डाउन किए, फिर उसमें से मेरे से कितने हुए कितने नहीं हुए, तो उससे मुझे पता चला कि भाई मेरी यही टॉपिक वीक है, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। ठीक बात है। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसका जो मेरा एवरेज आ रहा था, मैंने 3 मॉक दिए थे जी, उसमें एवरेज आ रहा था 60 का, मतलब किसी में 56 से ही, किसी में 60, किसी में 62। वो जो फर्स्ट पार्ट 100 मार्क्स का होता है, पांच सब्जेक्ट है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जी, इसमें 20-20 नंबर के पांच सब्जेक्ट होते हैं, और सारे मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और रीजनिंग। और इसमें क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने एक बार 20 क्वेश्चन कर लिए, एक सेक्शन कर लिया, अगले पे आप बढ़े तो आप वापस इसमें पहले पे नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात है। तो आपको एक ही बार में करना पड़ेगा, वो 20 क्वेश्चन का जो सेक्शन है एक ही बार में करना पड़ेगा, एक ही बार में करना पड़ेगा, सेक्शन पे नहीं। उस 20 क्वेश्चन के सेक्शन में आप घूम सकते हो कैसे भी, लेकिन एक बार आपने उसको नेक्स्ट कर दिया तो वो आप वापस उस पर नहीं आ सकते। उसके बाद मैंने देखा कि भाई इसमें 60 आ रहे, दूसरे वाले जो पेपर था उसमें आ रहे थे 30 पार्ट टू में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, तो दोनों में चाहिए 40-40। ठीक है। पहली जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 80, तो मेरा अंदाजा था कि लगभग 100 के आसपास का मुझे स्कोर करना पड़ेगा। राइट। पार्ट 2 में कितना बताया आपने, पार्ट 1 में 60 प्लस आ रहे थे आपके, हाँ, पार्ट 2 में मैंने 30 30 मार्क्स, 30 मतलब वो मेरिट भी नहीं क्रॉस हो पा रही थी। हाँ, जो 40 चाहिए थे वो क्राइटेरिया भी नहीं मैच हो पा रहा था। ओके। तो उसमें क्या हुआ, फिर मैंने देखा कि भाई मुझे इस पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, 2-3 दिन जितने भी वे टॉपिक थे मतलब इंटीग्रेशन हुआ, कैलकुलस हुआ, सब कुछ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए, हाँ, जो भी प्रीवियस ईयर में थे, और सब यूट्यूब पे सर्च किए, ठीक, उनकी वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली। ठीक है। मतलब हर टॉपिक की 2-3 वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली, उसमें क्या हुआ वे सब डाउनलोड करके मैंने कंप्यूटर में भर ली। ठीक है। उसके बाद मैंने मोबाइल को बॉक्स में बंद किया और एक महीने के लिए बंद ही रखा। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि फोन को बिल्कुल बंद कर दिया और इंटरनेट का इस्तेमाल किया भरपूर। इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं। अच्छा,
नहीं मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल किया है डेटा या चैप्टर्स को डाउनलोड करके, 3 से 4 दिन मुझे डाउनलोड करने में लगे केवल, वो जो तैयारी है उसमें मतलब इंटरनेट का योगदान रहा है इस तरह से। बट ऐसा नहीं है कि फोन यूज कर रहे हो, फोन यूज को बंद कर दिया, बिल्कुल साइड में रख दिया पैक करके, आपने बताया अभी जैसा। तो मैं मतलब उसको बिल्कुल पैक करके रख दिया, 2-3 दिन लगा अजीब अजीब सा, मतलब बिल्कुल जैसे काम ना चलता होगी मोबाइल के बिना दुनिया खत्म, राइट। लेकिन 3-4 दिन के बाद ऐसा एनलाइनमेंट हो, मतलब अलग ही लेवल की पढ़ाई होने लगी उससे, केवल बुक से, मतलब बुक थी कि यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें पार्ट टू के लिए, अच्छा, उसमें केवल टीजीटी के जो क्वेश्चन है, डीएसएसबी के, बाकी जितनी भी टीजीटी स्टेट वाले, ठीक है, उनके क्वेश्चन आते हैं उसमें कंबाइंड, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बस वो किया तैयार, तो बस 20 दिन में मैं जितना पढ़ा गया, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, बस वो मैं केवल दूसरा पार्ट किया। अच्छा, जहाँ आपके वो 30 नंबर आ रहे थे वो आपने प्रीवियस ईयर से निकाल के सारे टॉपिक, फिर उनको डाउनलोड करके, और फिर आपने वो जो 15-20 दिन रहे हैं वो बस वो तैयारी की, केवल पार्ट टू मैंने तैयार किया। फिर जब लगभग 1 तारीख को मैंने क्या किया, फिर मैंने दोबारा मुंह को लगाया, तो वो 30 से बढ़ के मेरा 55 आ गया था। अच्छा, पार्ट टू, अच्छा, ओके। और इसमें जो पार्ट वन है वो 60-65 था, तो मैंने क्या किया, जितने भी टॉपिक, जैसे आप सपोज करो हिंदी पढ़ रहे हो, तो उसमें आपके पास टॉपिक आ गया कि कारक के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे, तो क्या आ गया, 5-10 मिनट लगेगी केवल कारक पढ़ लो सारा, ठीक बात है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसके एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारे टॉपिक जो है हिंदी इंग्लिश वगैरह के इसके कवर कर लिए, ठीक है। तो जो पार्ट वन है उसमें मेरा जो फाइनल स्कोर एग्जाम में हुआ है 73.25, अच्छा नहीं 73.75, ये आपका पार्ट वन, पार्ट वन 100 में से पार्ट वन जो 5 सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें, उसमें आपने अच्छा स्कोर किया। और मैंने देखा अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो कि आपके जीएस में जो जीए है जनरल अवेयरनेस, उसमें आपके 10 मार्क्स हैं जो जनरली कमी होते हैं, तो उसका एक अभी सर बताएंगे कि क्या कहानी है, पूरा पूरा 100% अटेम्प्ट करते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के, क्योंकि आजकल स्मार्टली ये वे फॉलो करते हैं लोग। बताइए, तो इसमें मेरे मैथ में स्कोर था, मतलब मैथ में जो सही थे 19 सही थे, 1 गलत, रीजनिंग में 20 के 20 सही, जीके में 12 सही 8 गलत, इंग्लिश में 12 सही 8 गलत, और हिंदी में 16 सही 4 गलत। ठीक। तो मेरा तरीका क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास 100 क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 ऑप्शन है कि 4 में से 25-25 सही होंगे, बिल्कुल। अगर 75 गलत है तो कितने माइनस होंगे, मैं मान के चलो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग है 75, तो 75 खत्म। लेकिन 25 चौक 100, तो यानी 25 का आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिला, अगर 1 नंबर गए तो 0.25 लगा लो। तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर देखो, अगर आपके पास जितने ऑप्शन है उतनी नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्क लो। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने देखा, यूपी टीजीटी में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें 125 क्वेश्चन में से बी और सी ऑप्शन के 77 आंसर थे और ए और डी के 48 आंसर थे। तो फिर मैंने मतलब कंक्लूजन निकाला कि जो तुक्के मारने उसमें बी और सी का ज्यादा रोल होगा। अच्छा, एक चीज इसमें हो रहा है, जैसे सपोज करो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 में से 2 या 3 ऑप्शन की जो लेंथ है वो एवरेज है, लेकिन एक ऑप्शन उनसे ज्यादा लंबा है, तो 99.9% आंसर वही है। अच्छा, तो ये क्या मतलब, ये लॉजिक ऐसा है, सपोज पार्ट टू के लिए बोल रहे हो ये बात? नहीं, ये किसी भी पेपर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। चलो, हमेशा तो खैर ये काम नहीं करता, मतलब ये नहीं, हमेशा नहीं। जैसे सपोज करो 4 टॉपिक है, अब जो टीचर है वो कोई इतना वो तो है नहीं हार्डवर्किंग की जो सारे टॉपिक जो गलत आंसर वो लंबा लिखेगा कि भाई 2 टॉपिक 1 टॉपिक एक ऑप्शन इतना लिख रहा है, दूसरा ऑप्शन इतना, तीसरा ऑप्शन इतना लंबा है, तो चांस होगा कि ये वाला आंसर है। अब ये तो खैर मतलब पता नहीं, मैं तो इसके समर्थन में बहुत ज्यादा नहीं हूँ, कई लोगों को ये लगता है, पेडागोजी में भी लोग ऐसा मानते हैं, बट ये कुछ जगह पे काम करता है, कुछ जगह पे नहीं काम करता। और ये मतलब इसको हम फैक्ट तो नहीं, बट सबके अपने फंडे होते हैं, भाई आपने क्या ऑब्जर्व किया इतनी तैयारी करने में, फिर आपने देखा यूपीटीजीटी में चलो बी और सी वाला हो रहा है, तो वो भी एक तरह से हो सकता है कि कहीं पे तुक्का भी हो या प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है उस चीज की, या पता नहीं ना कौन सा पेपर किस तरह से सेट हुआ है। अब इसमें मतलब इसका तो हमें नहीं पता कि हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये चीज कितनी कामयाब है, बट ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो सेकंड पार्ट में फिर मैंने सब वीडियो डाउनलोड की थी, वो सब मैंने देखी, इसमें मतलब 15-20 दिन में जितना भी मुझसे हो पाया वो किया। और जो फाइनल एग्जाम हुआ था इसमें जो मेरा स्कोर था वो था 48, अच्छा, पॉइंट समथिंग, अच्छा, तो टोटल जो स्कोर है मेरा 121 है। हाँ, 48 या 46 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, पार्ट टू में, पार्ट टू में, ओके, जो मॉक में ये 55 हो गया था। लेकिन इसमें क्या होता है, डीएसएसबी क्या करता है, हर बार सिलेबस चेंज कर देता है, यानी कि अगर प्रीवियस ईयर के बेस पे ये वाला पेपर होता
तो मेरे आराम से 55 से 60 नंबर थे। सही बात है। तो उसमें आप बता भी रहे थे जैसे प्रीवियस ईयर में क्या था, थ्योरम की मान लो डेफिनेशन। अच्छा, उसमें एक चीज क्या हुई थी, मेरा जो पेपर था 4 सितंबर को था, इसके पहले जो पेपर था 2 सितंबर को था, तो उसको मैंने जब मैंने मोबाइल खोला था मैंने 1 तारीख को, तो उसमें फिर मैंने 2 तारीख को देखा कि भाई कैसे कैसे पेपर आ रहा है, तो उसमें जो थ्योरम्स के नाम केवल डेफिनेशन दी हुई थी, कुछ नई थ्योरम्स थी जिनकी केवल डेफिनेशन पूछी थी। ठीक है। लेकिन जो मेरे वाला पेपर था उसमें डेफिनेशन ना पूछ के उनके ऊपर एग्जांपल, मतलब उनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए। अब अगर थ्योरम में फॉर्मूला भी पूछते तो मैं थोड़ा कर लेता, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया से उसको कर दिया। तो यही है कि थोड़ा बहुत चेंज दे सकते हैं उसी के, लेकिन आसपास तो एटलीस्ट चीजें रहेंगी कि बिल्कुल लगभग पार्ट टू में तो मैं कहूँगी 20-30% सिमिलर रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे विशाल की प्रिपरेशन अगर देखें कि वो जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, या एक तरह से अलग अलग वेबसाइट पे उन्होंने जैसे प्रीवियस ईयर को मॉक की फॉर्म में दिया, तो मैंने जो प्रीवियस ईयर है मतलब कोई अलग से मॉक नहीं दिया, प्रीवियस ईयर को ही मॉक की तरह दिया, मॉक की तरह दिया, तो वो अलग अलग वेबसाइट्स पे आजकल अवेलेबल होता है कि आप प्रीवियस ईयर को मॉक की फॉर्म में दे सकते हैं। वहां से उन्होंने एनालाइज किया और वहां पता भी लग जाता है किस सेक्शन में कितने मार्क्स आपके आए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको वो करना भी पड़ेगा, या खुद कर लो तो एक घंटे का काम है, खुद कर लो। अगर ऑफलाइन भी पेपर निकाल के भी कर रहे हो तो भी कर सकते हो, अगर कहीं पे इंटरनेट उस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो एक तो आपकी आपको ये चीज बहुत हेल्प की कि आपने प्रीवियस ईयर निकाल के डायरेक्ट और उसको एनालाइज किया, क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि आपने आज से पहले कभी संज्ञा पढ़ाई नहीं था कि आज अब स्पेशली इसके लिए ही पढ़ोगे। फिर इन्होंने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े उनमें जहां भी ये वीक थे उस प्रीवियस ईयर से इनको पता लगा कि किस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, उनको अलग से पढ़ा, और जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगे पार्ट टू में भी इवन आपने वो सब डाउनलोड कर लिए वीडियोस, उनको बाद में देखा, नोट्स बनाए, और फिर आप कह रहे थे कि बाद में वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ी, रिवाइज कर लिया उन नोट्स से ही। तो ये स्ट्रेटजी रही, आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई जो आपके लिए काम कर रही थी, जिसमें आप कॉन्फिडेंट थे। अब किसी के लिए हो सकता है वो चीज काम करे ना करे, बट ऑफ कोर्स मतलब हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं दूसरों के, तो सीख तो सकते ही हैं। और मतलब कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं भाई, दो चीजें हो सकता है किसी और के लिए वो चीज काम नहीं कर रही, भाई उनको हो सकता है एक तरफ से किसी किताब से पढ़ना है ना, और बाकी 8 चीजें तो फिर भी काम करेंगी, क्योंकि जो चीज सफलता दिला रही है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से वेरीफाइड तो है। अच्छा, इसमें क्या था, जो मेरा मैथ था वो लगभग मेरा शुरू से स्ट्रांग था, तो सबसे पहले मेरा नवोदक एग्जाम क्लियर हुआ था 5th क्लास में, उसके बाद मैंने एनडीए का रिटर्न क्लियर हो गया था, एसएसपी के लिए घर वालों ने भेजा, उसके बाद मैंने बीएससी इसके बीएड के साथ ही मैंने एसएससी सीजिल दिया था, वो भी मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस क्लियर हो गया था, बाकी उसमें मेरे बीएड के एग्जाम आ गए थे, तो उसमें रह गया था टायर 4 में। फिर बाकी जो भी एग्जाम मैंने दिए वो क्या गए, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के, सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं, जैसे आपको किसी युद्ध में जा रहे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सामने वाला जो शत्रु है हमारा वो कौन सा हथियार यूज करता है, उसके हिसाब से आप उसको एक्ट करोगे। अच्छा, जो बेसिक जिनका बेसिक वीक है वो किसी भी टीचर से मतलब हिमांशी मैम से पढ़ सकते हैं, किसी से भी, आप उससे क्या करेंगे, उस अगर आपका बेसिक वीक है तो सबसे पहले आपको एक फाउंडेशन बनानी पड़ेगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, अब ऐसा नहीं कि मेरा एक महीने में हो गया तो सबका एक महीने में हो जाएगा, उसका एक रीजन है ना कि आपने बताया कि आपका बेसिक स्ट्रांग, क्योंकि जब मैंने इनको पूछा तो उनका एक महीने में तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेसिक स्ट्रांग था। तो बेसिक का मतलब क्या है कि भाई आपका जैसा मेरा 10th जो पेपर आते हैं जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो सवाल आते हुए आते हैं 10th तक के लेवल के, 10th तक का मेरा अच्छा था मैथ, उसके बाद रीजनिंग क्योंकि मैं नवोदय क्या गया था वो अच्छी थी, इंग्लिश क्या आती है भाई सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा सा रूल याद नहीं है मुझे, लेकिन ये पता चल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें सही लग रहा है, आप एलिमिनेट कर लेते हो। हाँ, और हिंदी भी ठीक थी, हिंदी में क्या आ गया भाई, जो जो टॉपिक नहीं हो रहे थे वे फिर मैंने बाद में पढ़ लिए। ठीक बात है, तो भरपूर रिसोर्सेज का भी यूज किया, बट उनको आपको यूज नहीं करने दिया, मतलब रिसोर्सेज ने आपको यूज नहीं किया, इंटरनेट ने या यूट्यूब ने आपको यूज नहीं किया, आपने उसको यूज किया। ये मैंने यूपीटी जीटी में देखा था कि भाई तैयारी कर रहे हैं हम, एक घंटा जैसे पढ़ लिए बोर हो गए, मोबाइल देखने लगे, देखते देखते 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, तो ये आपने वहां से सीखा, जब आपका एक तो टीजीटी में आपको लगा कि रह गए आप, मतलब उस तरह से तैयारी नहीं हो पाई, तो रिजल्ट नहीं आया तब तक फाइनल, लेकिन कट ऑफ से आदमी मतलब जैसे बहुत सो को पता नहीं लगता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने कोई पेपर दिया तो आपको उससे अंदाजा हो जाता है कि भाई मेरे इसमें होगा या नहीं होगा। तो आपने वहां से भी लर्निंग ली कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा था इंटरनेट के चक्कर में। उसमें मैंने एक ऐप आती है वो मोबाइल में इनबिल्ट ऐप थी, उसमें क्या होता है आ जाता है कि सारा इतने घंटे स्क्रीन टाइम आपका पता लगता है, वो आजकल इस ऐप में यूज हो रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो उसमें जैसा कोई मूवी देख ली, रोज एक मूवी देखनी, तो 6-6 घंटे 10-10 घंटे का स्क्रीन टाइम था। तो वो था, मैं कहा भाई इसके साथ तो हो नहीं पाएगा, तो मोबाइल को किया बंद।
क्योंकि वो कुछ ही टाइम है ना, वो जो आपका एक महीना है या किसी के लिए चार महीने है, छह महीने है, वो आपको फिर आपकी लाइफ तो सेट हो गई ना, मतलब एटलीस्ट एक डायरेक्शन तो मिल गई, सेट तो खैर लाइफ क्या ही होती है कभी, बट एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आप मतलब फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मिल गई, अब आप आगे कितना भी खेल सकते हो, आप कल को लेक्चर की पोस्ट के लिए जाओ, कुछ भी करो, आपके इतने सारे प्लान हो सकते हैं, कुछ भी रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे प्लान्स, मतलब हमारे कई बार हम देखते हैं फैमिलीज में नौकरी को लेकर बहुत सारी आशाएं रहती हैं कि भाई ये हो जाएगा तब ये करेंगे, अच्छा नौकरी लग जाएगी तो ये करेंगे, तो अभी क्या प्लान है, मतलब आगे कहीं घूमने का प्लान है, क्या चल रहा है अभी? तो मेरा वर्ल्ड टूर का प्लान है। वर्ल्ड टूर का प्लान है, अरे वाह बहुत बढ़िया, तो कुछ प्लान किया है? मतलब अभी अगले साल से ही है, समर वैकेशन होगा, ठीक है, हर साल समर वैकेशन में अलग देश में जाना। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप वर्ल्ड टूर पे जाएं, दुनिया देखें, दुनिया घूमें, हम भी जाएंगे जब हमें फुर्सत मिलेगी, तो अभी तो हम यही वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, कभी सीमापुरी और कभी आदर्श नगर, दिल्ली टूर, अभी हमारा दिल्ली टूर यहीं पे चल रहा है, कभी हम जीटीबी नगर आ जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, हमें लगता है यही दुनिया है, तो बहुत बढ़िया। अच्छा मतलब इंसान को क्या करना चाहिए, सारी चीजों को देखना चाहिए भाई, हेल्थ भी है, पैसा जॉब अलग चीज है, जॉब के साथ में हेल्थ भी जरूरी है, अभी तक ध्यान नहीं देता, अब हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, फिर आपको अगर पैसा अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसको यूज नहीं कर रहे, उसका फायदा क्या है? बेचारा घूमने से क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो मतलब उसको क्या करना चाहिए, हर चीज को बैलेंस बना के रखना चाहिए भाई, जैसे आपके 100% इनकम है, 20-30% सेविंग कर लो, 20-30% खर्चा, 20-30% मतलब एंजॉयमेंट के लिए, नहीं बहुत बढ़िया विचार है आपके और बहुत अच्छा आप करेंगे, ऐसे मतलब ऐसे गुस्सा वुस्सा मत करना बस बच्चों पे जाके नहीं, प्यार से पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे, मोहब्बतें मूवी की तरह, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, सही है, नहीं अच्छा है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा मिलके, और टीजीटी मैथ्स के लिए ये डिस्कशन होपफुली आपको हेल्प करेगा, जो भी चीजें विशाल ने बताई हैं। तो मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जिसमें क्या होगा कि हम बहुत सारे जो सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वे रहेंगे, तो अगर कोई भी कुछ हेल्प हुई या कोई भी किसी को डिस्कशन करना हुआ तो उसके थ्रू जुड़ सकते हैं, तो उसके लिंक मैडम आपको, हाँ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, जो भी इन्होंने ग्रुप बनाया है जहाँ पे भी अगर आगे की तैयारी के लिए या किसी को तैयारी करनी है, कहीं दिक्कत कुछ हेल्प चाहिए तो पूछ लेंगे, तो क्योंकि सब्जेक्ट वाइज लिमिटेड लोग अवेलेबल होते हैं, और हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, मिठाई हम खा चुके हैं आपकी और आपके परिवार वालों को भी, बहुत बढ़िया, अच्छा करें आप, और थैंक यू सो मच। किसी का और कोई डाउट हो, उनको लगता हो कि कुछ रह गया है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कभी फिर डिस्कशन में या कमेंट्स में रिप्लाई हम लोग कर देंगे, है ना, थैंक यू सो मच।